नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन दिव्या चौहान के साथ। 20 जुलाई मंगलवार का दिन है। चलिए अब आपको हिमाचल और देश विदेश में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिमाचल में भारी बारिश से चंबा भरमौर पठानकोट हाईवे भूस्खलन से बाधित। सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे निरमंड, 72वें वन महोत्सव का किया शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पीएचडी करने का मौका, 181 सीटें भरेगा प्रशासन। पूर्व सैनिकों के दिव्यांग बच्चों को अब मिलेगी 3000 की वित्तीय सहायता। कोरोना ने रोकी हिमाचल के 27 एनजीओ की विदेशी फंडिंग। पोर्नोग्राफी मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ एक और कामयाबी, राजकुंद्रा के बाद पकड़ा गया ये शख्स। काबुल में राष्ट्रपति भवन के पास दागे रॉकेट, बकरीद की नमाज के वक्त हुआ हमला। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भरमौर पठानकोट नेशनल हाईवे गहरा के पास भूस्खलन से बाधित हो गया है। हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बुरी तरह बाधित है। वहीं चंबा तीसा मार्ग मूसलाधार बारिश से नकरोड़ बाजार के पास बंद हो गया है। तीसा और चंबा दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सूचना मिलने के बाद विभागीय मशीनरी मौके के लिए रवाना हुई। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर आज जिला कुल्लू के बंजार क्षेत्र के दौरे पर हैं। सीएम आज 72वें वन महोत्सव में भाग लेने कुल्लू जिला के निरमंड पहुंचे। सीएम का निरमंड दौरे के दौरान वजीर बावड़ी निरमंड क्षेत्र के प्रवेश द्वार में विधायक किशोरीलाल सागर और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वन महोत्सव 2021-22 के दौरान प्रदेश में 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1 करोड़ से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। विभाग द्वारा नगर परिषदों और पंचायतों के प्रत्येक सदस्य को स्थानीय लोगों की सहायता से पौधरोपण के लिए 51 पौधे प्रदान किए जाएंगे। 20 और 21 जुलाई को 2 दिवसीय व्यापक पौधरोपण अभियान आयोजित किया जाएगा, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों और संस्थाओं द्वारा 10 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से पीएचडी करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए खुशी की खबर है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीएचडी की 181 सीटें भरने का फैसला लिया है। इसके लिए लिखित में आदेश जारी कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय के 24 विभागों में ये सीटें भरी जानी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये सीटें बिना प्रवेश परीक्षा के सीधे भरी जाएंगी। प्रशासन ने सोमवार को लिखित में सीटें तय कर दी है। इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना के मुताबिक आवेदन की अंतिम तिथि 9 अगस्त तय हो गई है। रसायन विज्ञान विभाग में 17, गणित में 7, भौतिक विज्ञान विभाग में 13, बायोसाइंस बॉटनी विभाग में 16, बायोसाइंस जियोलॉजी में 13, बायोटेक्नोलॉजी में 7, कंप्यूटर साइंस में 5, अंग्रेजी में 12, इतिहास में 6, हिंदी में 11, संस्कृत में 2, वाणिज्य में 8, अर्थशास्त्र में 8, परफॉर्मिंग आर्ट्स संगीत में 2, विजुअल आर्ट्स में 1, पत्रकारिता में 7, भूगोल में 2, समाजशास्त्र में 2, विधि में 24, मनोविज्ञान में 5, एमटीए में 1, एचपी यूबीएस में 5, दीनदयाल उपाध्याय पीठ में 4 और राजनीतिक विज्ञान विभाग में पीएचडी की 3 सीटें भरी जाएंगी। अन्य समाचार सुनिए ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218
1118 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। देश भर के पूर्व सैनिकों के दिव्यांग बच्चों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में रक्षा मंत्रालय ने वृद्धि कर दी है। एक बच्चे को अब केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से 1000 के बजाय प्रतिमाह 3000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। ये बढ़ी हुई आर्थिक सहायता राशि लाभार्थियों को 1 अगस्त 2021 से मिलना शुरू होगी। मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अलावा केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने फ्लैग डे फंड से पूर्व सैनिकों और उनके बच्चों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। इनमें हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, बेटी की शादी पर आर्थिक सहायता आदि मुख्य योजनाएं शामिल हैं। कोरोना महामारी से हुई विश्वव्यापी उथल पुथल ने हिमाचल प्रदेश के 27 एनजीओ की विदेशी मदद पर भी ब्रेक लगा दी है। अप्रैल से जून की तिमाही में राज्य की कई गैर सरकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता नहीं मिली है। प्रदेश की इन संस्थाओं ने खुद ये खुलासा केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी सूचना में किया है। इनमें कांगड़ा जिला में दलाई लामा के नाम से चल रहा एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी शामिल है। आर्थिक मदद पाने वाली संस्थाओं को हर 3 महीने बाद इसकी सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय को देनी होती है। ये मदद इन संस्थाओं को सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य जैसी गतिविधियों के लिए दी जाती है। कांगड़ा जिला में 8 एनजीओ निंगपा बुद्धिस्ट चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, सोसाइटी फॉर एनवायरनमेंट रूरल एंड डेवलपमेंट, कर्मा द्रुग्यू थारगे लिंग महायाना बुद्धिस्ट चैरिटेबल सोसाइटी, दोरजोंग मोनास्टी इंस्टीट्यूट चैरिटेबल ट्रस्ट, हिज होलीनेस द दलाई लामा चैरिटेबल ट्रस्ट, द बीड़ तिब्बतियन सोसाइटी, तुषिता रिट्रीट पब्लिक चैरिटेबल सोसाइटी और कम्युनिटी ग्रोथ सोसाइटी को ये विदेशी फंडिंग नहीं हुई है। पॉर्नोग्राफी मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को एक और कामयाबी मिली है। शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के लगभग 10 घंटे बाद क्राइम ब्रांच ने नेरुल इलाके से रियान थारप नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस केस में अब तक राज सहित 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बीती रात राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। राज पर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ ऐप पर दिखाने का आरोप है। राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने कहा कि राज कुंद्रा इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड हैं। राज कुंद्रा और उनके ब्रिटेन में रह रहे भाई ने केनरिन नाम की एक कंपनी बनाई है जिस पर पॉर्न फिल्में दिखाई जाती हैं। फिल्मों के वीडियो भारत में शूट किए जाते थे और वी ट्रांसफर के जरिए उन्हें विदेश भेजा जाता था। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से तालिबान का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर धमाकों की गूंज से सहम उठी है। मंगलवार सुबह काबुल में राष्ट्रपति भवन पर हुए रॉकेट हमले ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। यह हमला उस वक्त हुआ जब राष्ट्रपति अशरफ गनी बकरीद की नमाज में हिस्सा ले रहे थे। अफगानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार ये हमला सुबह 8 बजे के करीब हुआ। जिस जगह हुआ वहां से राष्ट्रपति भवन बेहद करीब है। ये हमले को लेकर माना जा रहा है कि हमले का निशाना अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी हो सकते थे। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।